वेलकम टू माई चैनल। आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ हिमालय का एंटी डैंड्रफ शैम्पू एंड कंडीशनर का। प्लस मैं आज आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ कि मैं इसको क्या रेटिंग दूंगी, क्या ये वर्क करता है या नहीं, इसके बारे में हर एक डाउट मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और अगर इसके अलावा कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में बहुत फ्रीली पूछ सकते हैं। बाय द वे मैं बता दूँ कि मैं इस शैम्पू और कंडीशनर को ओवर 1.5 मंथ्स मैं यूज़ कर चुकी हूँ एंड मैंने इसकी क्रीम एंटी डैंड्रफ क्रीम एंड एंटी डैंड्रफ ऑयल का भी रिव्यू शेयर कर चुकी हूँ, जो आई थिंक मैंने 1 वीक ऑलमोस्ट पहले अपलोड किया है, तो वो आप चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। देन मैं आज आपको इसका रिव्यू देना शुरू करूँगी। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन हिट कर देना, वीडियो लाइक करना मत भूलना, कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स अभी अभी चैनल स्टार्ट किया, प्लीज़ सपोर्ट करिए। जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका बहुत 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 थैंक यू, बट जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ 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 कर दीजिए। So let's start the video now. So this is the shampoo and this is the conditioner. So मैंने इसको फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया। आप इसको फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आपको आसपास कहीं भी ये स्टोर में मिल जाएगा। So आप बोलोगे शैम्पू इतना बड़ा है, कंडीशनर इतना छोटा, बिकॉज आई थिंक मैं कंडीशनर अभी दूसरा बुलाने वाली हूँ, मतलब इसी ब्रांड का यही वाला मैं दूसरा भी बुलाने वाली हूँ, क्योंकि वॉट की कंडीशनर इसके साथ यही आया है। बट ठीक है, कंडीशनर ज़्यादा नहीं लगता है, शैम्पू ज़्यादा लगता है। तो ये 700 ml का है। मैं पहले शैम्पू का रिव्यू दे देती हूँ, फिर मैं कंडीशनर के ऊपर आती हूँ। तो पहले हम शैम्पू के बारे में बात कर लेते हैं, तो हम कंडीशनर को हटा देते हैं, साइड कर देते हैं। सो ये हिमालय का है, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। इसमें टी ट्री है एंड ये इसकी क्वांटिटी है 700 ml। यानी अगर आप एक शैम्पू बुलाते हो, अगर आप अकेले यूज़ करें तो आराम से आपको 10 to 12 months, यानी आराम से साल भर चल सकता है। 8 months तो बहुत आराम से चलेगा। इसके बाद यहाँ पीछे साइड में आपको दिया हुआ है कि इसमें है टी ट्री ऑयल, प्लस इसमें है एलोवेरा, जो हमारे हेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। टी ट्री ऑयल हमारे हेयर को एंटी फंगल प्रॉपर्टी है, जिसके लिए हमारी डैंड्रफ को फाइट करने में मदद करेगा, और एलोवेरा जो है वो हमारी स्कैल्प और हेयर को सॉफ्ट और स्मूथ बनाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है इसकी MRP, जो कि 425। यहाँ पे नॉट फॉर इंडिविजुअल सेल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैंने आपको बताया मैंने इसको दोनों को साथ में ऑफ़र किया था, कंडीशनर एंड शैम्पू को साथ में मैंने ऑफ़र में ख़रीदा था, इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट दी हुई है। इसकी वॉल्यूम मैं बता चुकी हूँ, 700 ml है। इसके बाद यहाँ पे इसके कुछ जो भी डिटेल्स होती है नॉर्मली वो दी हुई है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं सो आप कैमरा पॉज करके पढ़ सकते हैं, बिकॉज मैं पढ़ूँगी तो बहुत लेट हो जाएगा वीडियो। फिर यहाँ पे मैं आपको डायरेक्शंस फॉर यूज़ दिया हुआ है, तो मसाज जेंटली इनटू वेट हेयर एंड स्कैल्प रिंस थ्रूली रिपीटेड नेसेसरी। सो जैसा नॉर्मली शैम्पू यूज़ करते हैं, आपको थोड़ा सा वाटर लेना है। हम क्या करते हैं, शैम्पू को डायरेक्ट स्कैल्प में डालते हैं, जो कि सही नहीं है, क्योंकि शैम्पू में थोड़े बहुत केमिकल्स होते हैं कोई भी शैम्पू हो। सो वो डायरेक्ट स्कैल्प में नहीं डालना चाहिए, आपको थोड़े से पानी के साथ उसको मग में ही मिक्स कर लेना चाहिए। उसके बाद आपको शैम्पू उस पानी को जिसमें हमने शैम्पू मिलाया था, जब शैम्पू डाइल्यूट हो जाए उसके बाद आपको हेयर्स में डालना चाहिए। तो उससे क्या होगा, जो आपका शैम्पू है वो अच्छे से आपके हेयर्स में सोप भी बनाएगा, आपको ज़्यादा शैम्पू भी नहीं लगेगा और अच्छे से शैम्पू हो जाएगा। सो दिस इज़ द राइट वे। सो बस आपको पानी में शैम्पू मिलाना है, अपने हेयर पे लगाना है, जेंटली मसाज करना है, लीफ करना है 5 मिनट के लिए, उसके बाद वॉश कर लेना है। सो आप गुनगुने पानी से वॉश कर सकते हैं, ठंडे पानी से जैसे आपको करना, बट मैं रिकमेंड करूँगी गुनगुना पानी, क्योंकि वो हेयर्स के लिए अच्छा होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं कंडीशनर की डिटेल्स पर। सो मैं अभी इसको साइड कर देती हूँ एंड हम आ जाते हैं, उसको भी रख लेते हैं, पीछे रख लेते हैं। तो हम आ जाते हैं कंडीशनर पे। सो ये है हिमालय का एंटी डैंड्रफ कंडीशनर। ये डैंड्रफ को फाइट करता है, आपके हेयर्स को सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है। तो कंडीशनर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप सिर्फ शैम्पू करते हैं, कंडीशनर नहीं करते, तो आपके बाल फ्रिजी हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। सो आपको कंडीशनर ज़रूर करना चाहिए। इसमें भी टी ट्री ऑयल एंड एलोवेरा है, जैसे कि शैम्पू में भी था। इसकी नेट वॉल्यूम है 100 ml। इसके बाद हम इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपको कलर दिख रहा है, ये मुझसे ही लग गया था, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मुझसे ये कलर एक्चुअली लग गया, सो सॉरी। उसके बाद हम इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। सो ये 100 ml इसकी क्वांटिटी है, आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो इसकी MRP है वो है 90 rupees। इसके ऊपर ना टेप लगा के ही दिया उन्होंने, बट फिर भी आप देख सकते हैं एक्चुअली। सो यहाँ पे इसकी जो MRP है वो है 90 rupees, एंड यहाँ पे इसकी एक्सपायरी डेट एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट दी हुई है। एंड इसको यूज़ करने का यहाँ पे डायरेक्शन दिया हुआ है कि आपको इसको शैम्पू के बाद, ये लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, शैम्पू के बाद आपको इस कंडीशनर को अपने हेयर और स्कैल्प पे लगाना है। स्कैल्प में वैसे तो कंडीशनर नहीं लगाते हैं, बट ये एंटी डैंड्रफ
कंडीशनर है तो डैंड्रफ तो स्कैल्प में ही होता है, सो उसको आपको अपने स्कैल्प पे और लेंथ पे लगाना है और उसके बाद उसको आपको अच्छे से वॉश कर लेना है। एंड बेटर है कि आप दोनों को साथ में यूज़ करें, ऐसा नहीं कि कोई और शैम्पू के साथ अभी कंडीशनर यूज़ कर रहे हैं, कोई और कंडीशनर के साथ आप इसको यूज़ कर रहे हैं, ये सही नहीं होगा एक्चुअली। सो ये काम डेफिनेटली करता है, मैं इसको 5 out of 5 star दूंगी क्योंकि डेफिनेटली काम करता है। विद इन 1.5 week मैंने ये दोनों ये यूज़ किया था, शैम्पू कंडीशनर इसी का, मैंने हिमालय एंटी डैंड्रफ हेयर क्रीम यूज़ किया था, हेयर ऑयल यूज़ किया था, ये सब यूज़ करने के बाद जो मुझे रिजल्ट मिला है दैट वॉज वेरी गुड। यानी मुझे 2 weeks यूज़ करने के बाद ही मुझे मेरी डैंड्रफ हाफ लगने लगी थी, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट है। अभी मेरी डैंड्रफ ऑलमोस्ट गॉन हो चुकी है, मुझे 1.5 month ही हुआ है, सो इसलिए मैंने सोचा कि इसका रिव्यू आपके साथ ज़रूर 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 शेयर करना चाहिए। एंड आई थिंक आपको एक बार अगर आपको डैंड्रफ हुई है तो ज़रूर 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 ट्राई करना चाहिए। सो ये था मेरा आज का रिव्यू स्कूल रिलेटेड। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में फ्रीली पूछ सकते हैं। अगर आप किसी और चीज़ का रिव्यू या किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन हिट कर देना, वीडियो लाइक कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।